केंद्र सरकार देश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रही है। बाईपास स्थित जैनसन सेल्स में रविवार को वीगॉस इलेक्ट्रिक स्कूटी की लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर जैनसन सेल्स के डायरेक्टर ने दावा किया कि ये स्कूटी अपनी शानदार क्वालिटी और बेहतरीन रेंज से दूसरी स्कूटियों को बहुत पीछे छोड़ देती है। बाईपास रोड स्थित हीरा टॉकीज के पास जैनसन सेल्स में रविवार को वीगॉस कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च की। इससे पहले विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग ने शोरूम का उद्घाटन किया। जैनसन सेल्स के डायरेक्टर वरुण जैन ने विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग का बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कहा कि आने वाला युग इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा। केंद्र और राज्य सरकार का फोकस प्रदूषण मुक्त भारत पर है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की शुरुआत हो गई है, इससे देश को आर्थिक लाभ भी होगा। आज शहर के बिल्कुल मध्य है श्री टोकीज भगवान टोकीज के पास वीगॉस स्कूटर लॉन्च हुआ है आगरा में, और ये लोगों को एक सुविधा प्रदान करेगा, मितव्ययता की ओर भी बढ़ाएगा। मात्र 15-20 पैसे किलोमीटर में हम इस पर यात्रा कर सकते हैं शहर में। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई इंजन खराबी का, चलने फिरने में कोई दिक्कत, इस प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और जो देश में एक अभियान चला हुआ है इस समय पर्यावरण को शुद्ध रखने का और पॉल्यूशन कैसे बचा जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस स्कूटर को चलाने से जहाँ हम अपनी जेब की भी सुरक्षा करेंगे, साथ में एक सेवा कार्य करेंगे। जैसे एक ज़माने में खादी पहनना सेवा से जोड़ा गया था, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी ये मान लीजिए कि एक सेवा का काम भी हो गया। एक पंथ दो काज, अपना भी फायदा समाज का भी फायदा। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों तथा प्रदूषण से निजात पाने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की जरूरत है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज बड़े सौभाग्य की बात है, जैनसन एंड सन्स कंपनी के वरुण जैन जी और मयूर जैन जी ने एक नए स्कूटर शोरूम का आज उद्घाटन हुआ है उनके द्वारा, और वह एक BGC12 कंपनी का स्कूटर लाए हैं। जैसा हम जानते हैं RR केबल्स वाले उसके प्रमोटर हैं, और एक बहुत अच्छा क्वालिटी का स्कूटर जिसकी माइलेज कैपेसिटी सिंगल चार्जिंग में 128 किलोमीटर है, और जैसा मुझे बताया गया कि कुल 15 पैसे रनिंग कॉस्ट आ रही है। तो एक तो रनिंग कॉस्ट की दृष्टि से, दूसरा एनवायरनमेंट की दृष्टि से, जैसा हम सब जानते हैं कि जो भी फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले जितने भी वाहन हैं वो पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, और वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह सब बढ़ती है, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ती है। तो इस समय जिस तरह के जो व्हीकल आए हैं ये हमारे एनवायरनमेंट काफ़ी फ्रेंडली हैं, पॉल्यूशन काफ़ी बचेगा। और मैं पर्सनल सबसे ये अनुरोध करूँगा कि हम जो भी नया वाहन खरीदें अब EV पर जाएँ, और EV एक अच्छा वाहन है और पर्यावरण के लिए भी और कॉस्ट सेविंग के लिए भी। इसके साथ पुनः जैन परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैनसन सेल्स के डायरेक्टर वरुण जैन ने इलेक्ट्रिक स्कूटी की खूबियां बताई। वरुण जैन का कहना था कि वीगॉस कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत अन्य कंपनियों की तुलना में बहुत कम है। इलेक्ट्रिक स्कूटी की रेंज अन्य कंपनियों से बहुत ज्यादा है। स्कूटी में लिथियम बैटरी का उपयोग किया गया है। बैटरी की क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। कंपनी ने स्कूटी की बिल्ड क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया है। कंपनी की ओर से आफ्टर सेल्स गजब की सर्विस दी जाती है। आज मेरे को आगरा शहर में RR केबल ग्रुप की ग्रुप कंपनी वीगॉस का स्कूटर C12 लॉन्च करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। ये स्कूटर आगरा के जो परिवहन का उपयोग करते हैं उनके पर्सनल उपयोग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण तो एक ये है कि ये इसकी रनिंग कॉस्ट जो मात्र 15-20 पैसे पर किलोमीटर में है, जो पेट्रोल व्हीकल में 2.5-3 रुपये तक कॉस्टिंग आ जाती है, तो आप अगर डेली का एक नॉर्मल यूज़र 50-60 किलोमीटर डेली चलाता है तो वो महीने का अपने 3,500-4,000 रुपये बचा सकता है। ये पैसा उसकी पॉकेट में जाएगा। दूसरी सबसे खास बात जो इसकी है कि ये है आपके पॉल्यूशन फ्रेंडली है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन इसमें कुछ होता नहीं है। तीसरा, इसके अंदर आपको पेट्रोल सहूलियत इतनी है कि आपको रात में आपने इसको लगा दिया प्लग में, सुबह आपको फुल टैंक मिलता है डेली।
ये मोदी जी का जो क्लीन इंडिया का अभियान है उसकी दृष्टि से भी ये बहुत एक लंबी यात्रा के अंदर ही ये छोटा कदम है, लेकिन जो मोदी जी का सपना है कि 2050 तक भारत कार्बन न्यूट्रल देश बन जाए और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज की श्रेणी में आके खड़ा हो जाए। आम आदमी का रुझान भी इलेक्ट्रिक स्कूटी की ओर बढ़ रहा है। पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों से मध्यम वर्गीय परिवार का बजट बिगड़ रहा है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी की ओर लोगों का रुझान दिनों दिन बढ़ रहा है। सी न्यूज़ के लिए मनीष जैन की रिपोर्ट।